बात है, यहाँ तो भरत मिलाप हो रहा है। हाँ बुआ, आप भी मेरी वाइफ के साथ थोड़ा स्वीटली बिहेव करना ना, पंगा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप लोगों का मिलने का टाइम खत्म हो गया है, प्लीज आप जाइए अब। थोड़े घंटों की बात है। सर मैंने कहा ना टाइम खत्म हो गया है, प्लीज। एक बात हो, घर आके तो मेरे बेड पे सो सकते हो। रुचिका, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो यार? अगर तुम आज सच नहीं बताओगी तो कल किसी ना किसी तरह वो सच बाहर आ ही जाएगा, और जब वो बाहर आएगा ना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज हमें सच बता दो, प्लीज। रुचिका ये एकदम सही कह रही है, प्लीज बता दो यार। देखो अक्षय के खून के इल्जाम में पुलिस ने प्रीता भाभी को अरेस्ट कर लिया, सच बता दो हेल्प हो जाएगी, प्लीज यार प्लीज। तो किया होगा तुम्हारी प्रीता भाभी ने अक्षय का खून? कुछ भी बकवास करने से पहले 10 बार सोच लेना रुचिका, मेरी दी ने अक्षय का कोई खून नहीं किया है। इनफैक्ट वो अक्षय मेरे दी के थप्पड़ खाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर मेरे दी ने ऐसा किया होता ना तो मेरे दी के हाथ खराब हो जाते। अक्षय इतना गंदा इंसान है, शक की वजह से मेरी दी आज सलाखों के पीछे है, समझ में आ रहा है तुम्हें? एक ही चीज बार 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 घुमाई जा रही हो, नहीं करनी मुझे तुम दोनों से कोई बात। जिस तरह से तुम नजरें चुरा रही हो ना, उससे हमारा शक और भी गहरा हो रहा है। तो मैं वॉर्न कर रही हूँ, जो भी है सच बता दो। अरे क्या बताऊँ, कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए। और एक मिनट, जिस दिन अक्षय उस होटल रूम में रुका था ना, उस टाइम में उसे मिलने तक नहीं गई थी। और रियली, तो तुम्हें कैसे पता कि अक्षय उस दिन उस होटल रूम में था? न्यूज़पेपर में आया था ना, वही तो पढ़ा था मैंने। और कौन से होटल में क्या हुआ था, अक्षय का खून कैसे हुआ था, ये सब उसमें लिखा था। ठीक है, अब ये मत पूछो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या नहीं। न्यूज़पेपर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मैं अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ रुचिका, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। यू नो वॉट, जो करना है कर लो, चेहरा पढ़ना है ना मेरा पढ़ लो, जो समझना है समझ लो, बट यू नो वॉट, आई डोंट केयर, आई डोंट रियली केयर। एक्चुअली पुलिस अभी आती होगी, और मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स होते हो तुम जानती हो? हजारों में नहीं, लाखों में। और अगर मैं जरा भी लिख दूं मेरे सोशल मीडिया पे, कुछ लोग मेरे घर जोर जबरदस्ती घुस के आए और मुझे हैरेस कर रहे, तो पता है क्या होगा? सबको पता चल जाएगा क्या होगा। ओह वन मोर थिंग, तुम्हारा नाम तो जुड़ेगा ही, तुम्हारे साथ साथ मैं करण लूथरा का नाम भी जोड़ सकती हूँ। कौन आया? करण पुत्र, आ खुश रहो। जिंदेरा करण, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ एक्चुअली। आप मुझे सिर्फ बेटा कहती हैं लेकिन मानती नहीं है। आपने फिर से प्रीता का साथ दिया, आप जानती हैं ना उसने क्या किया? मान नहीं रही,
क्यों हो तुम ऐसे? कैसा? ऐसे जैसे हो। क्यों तुम जताना नहीं चाहते हो किसी से? जब उसे प्यार करते हो, उसकी परवाह करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हर बार जब मेरे सामने आते हो ना, तुम्हारी एक नई खूबी मुझे दिखने लगती है। मैं जानती हूँ तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उसकी परवाह करते हो, उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो। और तुम्हें ये लगता है कि प्रीता को ये नहीं पता, उसे सब पता है, उसे सब महसूस होता है, वो सब जानती है। वरना तुम्हें पता हो कोई दुनिया में ऐसा है जिसे पता हो कि उसे क्या पसंद है और उसे किस चीज की जरूरत है? वो तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही है उसे इतना प्यार करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, उसको सब कुछ पता है। मतलब मैंने तो उसे बताया भी नहीं था कि वो पहले वो फलूदा मैंने भेजा था, लेकिन उसे पता है। मेरे कहने मतलब वो बहुत तेज है आपकी बेटी। पितर जी आप भी कम तेज नहीं हो, आप प्रीता की फिक्र करते हो और उसे बताया भी नहीं, और वो भी जानती है कि आप उसकी फिक्र करते हो, और हमें लगता था कि आप उसकी जरा भी फिक्र नहीं करते हो। एक दूसरे से नाराज हो फिर क्यों करोगे उसके लिए कुछ? लेकिन जो भी किया सिर्फ आपने किया पुत्र जी, दुनिया वालों को बता देते तो हमें भी तसल्ली हो जाती। जानती हूँ तुम्हें जताना नहीं आता, लेकिन मुझे तो माँ जैसा मानते हो, मुझे बता देते तो कम से कम मुझे तसल्ली। सही कहा आपने, मुझे जताना नहीं आता, लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं, पूछ रही हैं तो ठीक है, बता देता हूं कि आप डरिए मत, मैं खड़ा हूं प्रीता के साथ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि कल पहली हियरिंग के बाद प्रीता जेल से बाहर होगी। शादी किया उससे, वचन दिया उसे, और एक वचन ये भी था कि हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। आप तो जानते हैं हम दी करण उतरा, एक बार प्रॉमिस कर दिया तो पीछे नहीं हटता, इसलिए अभी रोना बंद कीजिए एंड बी हैप्पी। कल प्रीता जेल से बाहर होगी, फिर हम मिलके पार्टी करेंगे। एक मिनट, फिर तो करुण दूसरा का नाम भी बदनाम हो जाएगा। ये तो बहुत ही खतरनाक है ना, क्या हो गया? तुम दोनों का चेहरा क्यों ऐसा है, घबरा गए क्या? और रही बात पुलिस की, तो मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुलाया है, और वो कभी भी यहाँ किसी भी वक्त आ सकती। करण जीजू, मैं और समीर रुचिका के घर में, पुलिस प्लीज जल्दी से हमारी हेल्प कीजिए। चलता हूं। ये लोग आपके घर में जबरदस्ती घुस आए? यस सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग तो यहाँ पर नॉर्मली आए थे, कैजुअली इससे मिलने, क्योंकि हमें इससे कुछ बातें करनी थी। जी। पर मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी थी ना सृष्टि, और ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, पर नहीं तुम्हें तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करनी। एक सेकेंड इंस्पेक्टर, ये अकेली भी आती थी ना तो भी चलता था, बट ये इस लड़के को अपने साथ लेके आई। सर ये कुछ भी बोल रही है, हम सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। नहीं, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, ये झूठ बोल रहा है। एक अनजान अजनबी, एक गुंडे जैसे ये दोनों मेरे घर घुसे और मेरे पे जोर जबरदस्ती करे, ये झूठ बोल रहे हैं।
और ना चाहते हुए भी इनको चाहिए कि मैं इनके सवालों के जवाब, और अगर इनके सवालों के जवाब ना दूं तो ये मुझे धमका रहे। Excuse me? हमने तुम्हें धमकाया है? अरे धमका के तो वो मेघा गई थी तुम्हें इस घर से। अब ये मेघा कौन है? मेघा मेरी कैजुअल फ्रेंड है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। मैंने आपको इन दोनों की वजह से मिला है। ये दोनों मेरे घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अमित, तुमने मारपीट भी की है और मुझे मारा भी है, हाथापाई भी की है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हाथापाई की है मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हारे लिए हाथापाई कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम्हारी बड़ी बहन ने तो खून किया है, तो हाथापाई क्या चीज है? जबान संभाल के बात करना रुचिका। मेरे दी के बारे में गलत शब्द भी निकाला ना तो? अब जब तुमने ये सब बोल ही दिया है तो मैं सोच रही हूँ असली की मारा पीटी करी दूं मैं तुम्हारे। इंस्पेक्टर आपने देखा ना, ये यही करी थी आपसे आने से पहले। मैं तंग आ चुकी हूँ। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इस लड़की को। अरे लेकिन मैंने क्या किया? इसे नहीं करो। नहीं, इसे यार, रुक जाइए इंस्पेक्टर। आप इन दोनों को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों इन्हें हम अरेस्ट नहीं कर सकते? अभी इस लड़की ने हमारी आंखों के सामने इस लड़की को मारने की कोशिश की। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप इन दोनों को अरेस्ट नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको बार बार उकसाऊं मुझे मारिए मारिए मारिए, तो एक बार के लिए आप मुझे मारने आएंगे राइट? तो इसने भी वही किया, सृष्टि को उकसाया, उसने मारने की कोशिश की लेकिन मारा नहीं। पर ये अभी इसे मारने जा रही थी। लेकिन मारा तो नहीं ना इंस्पेक्टर। मैं यही बताने आया हूं आपको कि समीर और सृष्टि इनोसेंट है, अगर कोई कसूरवार है तो ये रुचिका। मैं बताता हूँ कैसे। इसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की बिकॉज आई एम अ सेलिब्रिटी, सॉफ्ट टारगेट यू नो। इसने यही धमकी सृष्टि के सामने दी होगी, इसे गुस्सा आ गया होगा, इसलिए इसने बोल दिया जो बोलना था, लेकिन मारा वारा नहीं। वैसे भी आई एम श्योर कि आपके पास इंपॉर्टेंट केसेस होंगे सॉल्व करने के लिए। हाँ तो आप जाइए, ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल लेवल पे सॉल्व हो जाएगा। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। यस, करण लुथरा को बदनाम करने की कोशिश की, तुमने इन दोनों के सामने धमकी दी। देखो ना तो बोलना मत, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे पास तुम्हारा वो वॉइस नोट भी है, ऑडियो नोट, उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। अगर तुम कहो तो मैं इंस्पेक्टर को भी सुना देता हूँ, और चाहो तो मीडिया को बुला के उनको भी सुना देता हूँ। फिर क्या होगा, तुम्हारे जो सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हैं वो मिलियन से जीरो हो जाएंगे। इमेजिन तुम्हारी रिस्पेक्ट का क्या होगा, वो भी अंडू हो जाएगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट तुम्हारी इनकम पे पड़ेगा, तुम्हारे काम पर। बहुत कुछ हो सकता है, सोच लो। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ओके? हाँ एक काम कर सकता हूँ, अगर तुम मान लो कि ये सब तुमने किया है तो तुम्हारे साथ एक सेल्फी खिंचवाऊंगा मैं, तुम्हारे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे उससे। आई एम सॉरी करण, आई मीन मिस्टर करण लूथरा, ये सृष्टि ने ना मुझे सवाल पे सवाल करके ना इरिटेट कर दिया था, और मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैं पता नहीं बहुत गुस्सा हो गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो इन दोनों के साथ मैंने आपका भी नाम जोड़ दिया, और मैंने सोचा कि आपका नाम भी बदनाम करूँगी, ताकि ये दोनों मुझे हरास कर रहे तो आपका भी नाम जुड़ जाएगा। बट ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, आई मीन आई वाज जस्ट टू इरिटेटेड। कांस्टेबल, इन्हें अरेस्ट करो। अरे आप क्या अरेस्ट करते रहते हैं इंस्पेक्टर, हमने इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की है, ना मैंने ना इन दोनों ने, राइट? मैंने कहा ना पर्सनल मैटर है, पर्सनल लेवल पे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। आज तुम्हें इनके कहने पे छोड़ रहे हैं, आइंदा किसी को धमकाने की कोशिश की या बदनाम करने की कोशिश की तो हम तुम्हें मानहानि के केस में अंदर कर देंगे। चलो।
सुनो ना, कितना टाइम लगेगा? उतना ही जितना तुम्हें मेकअप लगाने में लगता है। मैं कोई पंक्चर वाला हूँ जो तुम्हें बता पाऊँ कि कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा? मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, पृथ्वी पंक्चर वाला नहीं, कोई प्रोफेशनल पंक्चर वाला नहीं हूँ मैं। तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी, मुझे प्रॉब्लम से निकाला था, वरना मैं खुद के सिवाय किसी की मदद नहीं करता। और तुम मुझे पूछ रहे हो कितना टाइम लगेगा? प्लीज अब पृथ्वी, मैं तुम्हारी कार लेके चली जाऊं, प्लीज। हाँ, जाओ जाओ जाओ, ले जाओ, जाके मलाई कुल्फी खाओ, ऐश करो, कमाल है। बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। बन गई तुम्हारी गाड़ी? बन गई? बन गई थी तो इतना भाव क्यों खा रहे थे? पहले ही बोल देना चाहिए था ना। मुझे पता होता तो नहीं बता देता। मैं कोई प्रोफेशनल टायर वाला हूँ, पंक्चर वाला हूँ, जो मुझे पता होगा कि इतना टाइम लगेगा इतना टाइम नहीं लगेगा। पहली बार किसी का पंक्चर बना है, थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच। थैंक, एक मिनट रुको। अब क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? करण भाई, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? आपकी हेल्प चाहिए होगी, पुलिस यहाँ पे आ जाएगी, हम फंसने वाले हैं, आपको कैसे पता? ओ हेलो, इस जासूस सृष्टि ने बताया करण जीजू को। तुमने कब बताया? मतलब इतनी डेंजरस सिचुएशन में तुमने टेस्ट करके बता भी दिया? हेलो, बड़ी कमाल की चीज हूँ मैं, डेंजर हूँ मैं, डेंजर। मौके पे चौका मारना मेरी आदत है, इसलिए मैंने फटफट करण जीजू को मैसेज कर दिया। उनको सब कुछ बता दिया कि वो कैसे सोशल मीडिया वाली धमकी दे रही थी रुचिका। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? अरे करण भाई, हम लोग रस्ते से जा रहे थे, फिर हम लोगों ने सड़क पे देखा रुचिका और मेघा लड़ रहे थे यार। कोई नॉर्मल वाली फाइट नहीं थी, कैट फाइट थी, कुछ गड़बड़ थी भाई। मतलब? एक मिनट जीजू, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको फोन करने वाला था। तो मुझे कॉल करने वाला था, मैं यहीं आ गया। बेटा घर चल, लॉयर को मैंने वहीं बुलाया है, डिस्कस कर लेंगे उसके साथ। भाई आप चाचू के साथ जाओ, हम दोनों आते हैं। लेकिन किसी प्रॉब्लम में मत पड़ना, ओके? जस्ट टेक केयर। आप वाली गाड़ी चलाओ, मैं ही चलाऊंगा। बाय सैमी, अब हम जल्द से जल्द वो चेंबूर रेलवे स्टेशन वाली फैक्ट्री के पास चलते हैं, क्योंकि वो किलर वहीं पर आने वाला है। वो सब तो ठीक है सृष्टि, लेकिन तुमने करण भाई को ये क्यों नहीं बताया कि रुचिका अक्षय की गर्लफ्रेंड है? अरे कैसे बताती, महेश अंकल आ गए थे, और अगर बता भी देती तो ये करण जीजू वकील वाला मैटर छोड़कर मुझसे इंक्वायरी करने लगते इन सब चीज की। यार आराम से उन्हें बता देंगे उनकी पूरी स्टोरी। वहां महेश अंकल और करण जीजू दी की लीगली हेल्प करेंगे, और हम यहाँ किलर को पकड़ के कानून की हेल्प करेंगे, ताकि मेरे दी जल्द से जल्द जेल के बाहर आ जाए, और वो असली किलर और उसके साथ मिली हुई वो जंगली बिल्ली माहिरा जेल के अंदर चले जाए। करेक्ट, चलो चलो चलते हैं। बैठो। पृथ्वी, जैसे तुम्हें किसी से मिलना है ना, मुझे भी किसी से अर्जेंटली मिलना है, प्लीज अंडरस्टैंड। आई विल सी यू। गाड़ी भी इस वक्त ही खराब होनी थी। पता होता कि मेरी गाड़ी खराब होने वाली है तो मैं उस मलाई कुल्फी की हेल्प भी नहीं करता। ऑलरेडी इतना लेट चल रहा हूं, ब्लैकमेल के पास कब पहुंचूंगा मैं? गॉड, पूरी तरह से फंस गया। कपड़े भी खराब हो गए, गाड़ी भी खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरे पास वक्त नहीं है। आइडिया